आज सर 15 अगस्त सावन महीना, आज हम देखते थे हीराकुद जो पर्यटन स्थल बोला जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ जरूर घूमने आते हैं, डैम देखने आते हैं, क्यों एशिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। आज हम संदानु बाबू जो समाज सेवी सोशल वर्कर सर, आज जो आप यहाँ पर मिठाई की दुकान खोला गया, मीठा का दुकान, तो सर आपके मन में कैसा विचार है कि यहाँ पर मीठा का दुकान खोला जाए, क्यों आप तो समाज सेवी भी हैं सोशल वर्कर भी। मीठा दुकान है ये, मील टिफिन सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। हीराकुद का अच्छा मीठा दुकान, टिफिन या मील का नहीं है। मेरा बहुत दिन से ये तमन्ना था कि मैं खोलूँगा, और जो टूरिस्ट आदमी बाहर से उड़ीसा या उड़ीसा बाहर से आता है यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, तो मैं आगे फ्यूचर में लॉजिंग का भी मतलब सोचा हूँ। मेरा एम है सब कुछ यहाँ पे मिलेगा टूरिस्ट और हीराकुद पब्लिक। जिस तरह सर होटल स्वागत लोगों को स्वागत करता है, आज 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस में आपने किया गया सर, इस तरह सर यहाँ आसपास में कोई इतना अच्छा होटल भी नहीं है सर। हम लोग देख सकते हैं टोटल एसी है, टोटल अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ हैं। तो सर ये आप जैसा शादी भी हुआ, पार्सल हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ और अन्य पार्टी में भी आप क्या सप्लाई करेंगे सर? चलिए आज हम शांतनु बड़ पंडा जी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हीराकुद वालों को एक तो उन्होंने गिफ्ट दिया कि अच्छा होटल मिला, लोगों को अच्छा खाना पीना मिलेगा, और हमारे हीराकुद का आयुषी ने इसका उद्घाटन किया कि वो भी एक समाज से भी आयुष से भी लोगों को हमेशा हेल्प भी करते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।